अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों को कैसे दवाई दी जाए। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे, अगर इनमें दवाई की मिकदार कम या ज़्यादा दे दी जाए तो उससे कम से असर नहीं होगा और ज़्यादा से साइड इफेक्ट जाहिर होने का खर्चा होता है। इसी तरह छोटे बच्चों में दवाई पिलाते हुए कई दफ़ा कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो बजाय फ़ायदा करने के बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। एक तरीका, जिस तरह अक्सर ऐसी दवाई जिनकी कोई स्मेल होती है, बच्चे का नाक बंद करके उसको ज़बरदस्ती पकड़ के मुंह खोल के रोते हुए बच्चे के मुंह में दवाई ढेल देते हैं। इससे बार दफ़ा जो है रोते हुए बच्चे के सांस की नाली में दवाई जा सकती है और बजाय फ़ायदा के नुकसान हो। इसी तरह जब बच्चा इस तरह ढेलते हैं तो सामने दवाई लगती है, जैसे तालू को गैग रिफ्लेक्स आता है या चम्मच लगता है तो बच्चा उल्टी कर देता है। तो ये तरीके बजाय बच्चे के फ़ायदा देने के नुकसान कर सकते हैं। तो पहली तो बात ये है कि छोटे बच्चों को जो दवाई है वो बड़ी मैयड़ देनी चाहिए। मैयड़ किस तरह दी जा सकती है कि जब डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करे तो उसको सीसी के हिसाब से बताए, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे, 1 साल से छोटे बच्चे। तो जब सीसी के हिसाब से बताएगा तो सीसी या एमएल, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml, यानी 1 ml जो है 1 सीसी के बराबर होता है। तो वो किस तरह आप देने हैं, तो इसके लिए 3-4 चीज़ें होती हैं बाज़ार से। कुछ तो जैसे ड्रॉप्स में आते हैं तो उनमें ड्रॉपर होता है, कुछ में 1 ml वाला ड्रॉपर होता है, कुछ में 2 ml वाला ड्रॉपर होता है। इसी तरह जो है मैयड कप होते हैं छोटे दवाई के लिए, या मैयड चम्मच होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है 2.5 ml या 5 ml। और इसके बाद जो है सुरिंज होती है, जैसे 10 cc की सुरिंज है, 5 cc की सुरिंज है, तो उसमें से आगे नीडल उतार के बाकी जो है उसके उसके अंदर मैयड भर के, जैसे 2 cc देना है तो 2 cc दें, 3 cc देना है तो 3 cc। तो कोशिश करें ड्रॉपर या सुरिंज सबसे बेस्ट मेथड है अगर आपका बच्चा इससे दवाई लेता है। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बच्चे को 10-15 मिनट में एक दवाई दे सकते हैं। जो बच्चा लाइक नहीं करता, 2 ड्रॉप डाल दिए, फिर खेलते हुए या उसको कुछ खिलाते हुए 2 ड्रॉप डाल दिए, इस तरह एक डोज आप ओवर 10-15 मिनट्स में दे सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम से कुछ नहीं होता और दवाई के ज़ाया होने और दवाई की डोज कम या ज़्यादा होने का भी खर्चा नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है। इसके बाद अगर आपने कोई घर का चम्मच इस्तेमाल भी करना है, जैसे अक्सर घर का चम्मच इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कोशिश ये करें कि आप उस घर के एक चम्मच को मैयड कर लें कि ये आपका चम्मच जो है 2.5 ml का है, ये आपका चम्मच 5 ml का है, जो भी आप, तो उसको फिर सेपरेट रखें। अगर आपने चम्मच के साथ दवाई देनी हो तो कोशिश करें कि उसी फिर चम्मच को इस्तेमाल करें। इसी तरह कुछ दवाइयों के बारे में है कि जैसे एंटीबायोटिक है कि बच्चा बीमार है, उसने कुछ खाया नहीं है तो दवाई नहीं देनी जब तक उसको खिलाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा बीमार है, उसने खाया नहीं, तो आप उसको बगैर खाए दवाई दे सकते हैं और फिर क्या है उसके बाद कुछ खिला सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है दवाई लेते हुए, तो ऐसे बच्चे को बेहतर यही होता है कि बगैर कुछ खिलाए दवाई दे, ताकि दवाई जल्दी हजम हो और फिर उसके बाद कुछ खिला दे। इसी तरह कुछ दवाइयां हैं जो आपने देनी खाली मेदे होती हैं, जैसे कि थायराइड की मेडिसिन सुबह देते हैं, हम कहते हैं कि पहले दूध से पहले जो है दे दें या पहले दूध के साथ दे दें। इसी तरह मेदे से मुतलका जैसे ओमेप्राजोल है या फिर एंटासिड्स हैं, ये मेडिसिन हम उसको पहले देते हैं खाने से। इसके अलावा क्या है कि कुछ दवाइयों को कुछ खानों के साथ नहीं देना चाहिए और कुछ को किसी खाने के साथ, जैसे आयरन है, इसको दूध में मिक्स करके नहीं देना चाहिए। आयरन का सिरप अक्सर हम बच्चों में एडवाइस करते हैं, जो कि बच्चा लेता भी नहीं है क्योंकि उसका टेस्ट का इशू होता है, तो इसको दूध के साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन में दूध जो है इस तरह के उसके अंदर केमिकल होते हैं जो कि उसको रोकते हैं। तो बल्कि इसके साथ कुछ सिट्रस जूस दे दिया जाए कुछ चम्मच, तो वो बेहतर होता है, जैसे मौसमी, माल्टा या नींबू पानी। तो एक तो टेस्ट को भी वो अच्छा कर देगा, दूसरा ये कि वो विटामिन सी की वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन गट में अच्छी हो जाएगी। तो ये चंद एक बातें थी जो पेरेंट्स के लिए मैं चाह रहा था कि करूं, ताकि पेरेंट्स जो है इस चीज़ को सीखें और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन दें ताकि बच्चे को जल्दी जो है असर हो। थैंक यू।